ठीक गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे तो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं आपके बी सी एस जीरो फाइव टू का तो एक पेपर है आपका कल जून 2021 का मैंने सॉल्व क्वेश्चन पेपर किया है ये पार्ट वन है पार्ट टू भी जल्दी अपलोड होगा आज ही अपलोड होगा एक दो घंटे के अंदर ठीक है तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है आपसे कि डू पोर्ट एड्रेस एट ट्रांस पोर्ट नीड टू बी यूनिक वाई अगर है तो क्यों अगर नहीं है तो वो भी क्यों वाट आर पोर्ट एड्रेस शॉर्ट शॉर्टर आई पी एड्रेस आपके आंसर पोर्ट एड्रेस नॉट नीड टू बी यूनिवर्सलिक आपकी पोर्ट एड्रेस को कभी भी uh, जरूरत नहीं है यूनिवर्सल में यूनिक होने की क्योंकि ये ऑलरेडी यूनिक होता है आई पी एड्रेस के थ्रू क्योंकि हर एक का आई पी एड्रेस यूनिक होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल वुटवर्किंग फिफ्टी होस्ट इच रनिंग इको सर्वर सॉफ्टवेयर ओके एंड पोर्ट ओकेर देन आई पी एड्रेस पोर्ट एड्रेस आपका शॉर्टर um, है आई पी एड्रेस से बिकॉज दे आर डोम एंड सिंगल सिस्टम इज स्मॉलर देन अ डोमेन्स ऑफ आई पी एड्रेस इंटरनेट ठीक है P number question is what is ARP and how is it different from RA, RP and both uh, AR, ARP is a stand for Address revolution Protocol and it's mapping logically address to physical uh, address, whereas a uh, RA, RP map physically addressed to the logical address. It means that. Ki, आरआरपी का क्या होता है ना कि लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस तक जाता है मैप्स इसका बट आर आरपी क्या करता है कि ये इसका होता है शुरुआत ही फिजिकल एड्रेस से होता है देन ये लॉजिकल एड्रेस तक पहुंचता है तो बट यहां बोट बोट टिप के बारे में भी पूछ रहा है तो बोट्स क्या होता है कि यूज करता है यूडीपी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का इट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ ए यूडीपी एंड आई पी एड्रेस सेकेंड नंबर क्वेश्चन सी नंबर आई थिंक मेरे से छूट गया है मैंने जल्दी जल्दी मैंने सोल्व नहीं कर पाई मैं नेक्स्ट वीडियो जो अभी एक घंटे के अंदर अपलोड होगा उसमें आपको मिल जाएगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि जून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का क्वेश्चन पेपर सोलूशन आपको कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा ठीक है अगर मिल जाता है तो प्लीज मेरे वीडियो को डिसाइक कर सकते हैं ठीक है

फील्ड uh, मतलब फील्ड और फ्लैग्स कंट्रोल द कंटेंट ऑफ फोर सेक्शन मतलब कि हेडर फील्ड क्या करता है ना कि आपके कंट्रोल करता है आपके कंटेंट को और जो कि फोर सेक्शन में डिवाइडेड होता है ठीक है ई नंबर क्वेश्चन है कि इन इलेक्ट्रॉनिक मेल व्हाट इज आई एम सॉरी एम आई एम ई एक्सप्लेन इट्स पर्पस एंड फंक्शनिटी

इसके थ्रू आप अपने जितने भी आपके वेब में आ, मेल्स वगैरह होते हैं वो कनेक्ट होते हैं ठीक है एंड इट्स अ डेटाबेस लाइक इट्स लेट अ यूज़र एक्सचेंज डिफरेंट काइंडस ऑफ डेटा फाइल्स इंक्लूडिंग ऑडियोज़ वीडियोज इमेज एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड ओवर इमेज ओवर इमेज मतलब इसका एक्सचेंज uh, क्या करता है मतलब कि डिफरेंट काइंड ऑफ़ डेटा लाइक फाइल्स आप एक्सचेंज कर सकते हैं अपने ईमेल से इंक्लूडिंग ऑडियो इंक्लूडिंग वीडियो अपने इमेज शेयर कर सकते हैं बिना किसी पिक्चर्स रिवील के मतलब पिक्चर्स जो होते हैं आपके फोटोज्रैप में जो आपके पिक्सल होते हैं वो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप अदर अप्ली्लिकेशन से सेंड करते हैं तो आपके ऐसे चित, मतलब छितर जाते हैं बट इसमें नहीं होता ठीक है इट इज अ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बिटवीन अ टू एंड मोर पीपल ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है जो कि कम्युनिकेट uh, करता है वन टू मोर पीपल ठीक है आप कहीं से भी मेल कर सकते है ईमेल uh, uh, क्या होता है ना कि ई मेल ऑल ओवर दुनिया में शायद अवेलेबल है ठीक है जहाँ पे आप कहीं से भी कहीं का भी आपको मेल मिल सकता है आसानी से मेल सिस्टम अलाउ कंप्यूटर यूजर्स एंड नेटवर्क टू सेंड टेक्स्ट ग्राफिक साउंड एंड एनिमेशन इमेजेस एंड अदर यूजर्स मतलब लाइक अब जस्ट फंक्शन की बात की जाए तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपके इनबॉक्स e होते हैं आउटबॉक्स होते हैं सेंट होते हैं स्पैम होता है ट्रांस पिन होता है तो ये सारे आपके फंक्शंस हो गए आपके ईमेल के ईमेल सिस्टम अलाउ ये अलाउ करता है कंप्यूटर यूजर को नेटवर्क से नेटवर्क सेंड करने में लाइक like, टेक्स्ट uh, uh, हो गए आपके जो मैसेजेस होते हैं ग्राफिक्स हो गए साउंड्स uh, हो गए आपके ऑडियो लाइक ओपन मैंने जैसे बताया तो ये सब होता है एफ नंबर है कि हाउ इज द इन टीसीपी हेडर कंप्यूटर गिव एग्जांपल ऑफ एक्सप्लेन इट चेक क्या होता है ना कि कैलकुलेट

कैलकुलेट अम ऑन द डेटा एल्गोरिदम एज अडर एंड कंपेयर इट्स वेल्यूट पास इन दटर मतलब ये रिसिविंग साइड मैंने अभी आपको सर्वर साइड का बताया अगर मैं रिसीविंग साइड की मैं बात करूँ तो ये कैलकुलेट करता है चेकसम के डेटास को जो कि रिसीव किया जाता है सेम एलगोरिदम से अगर अगर सेम एलगोरिदम नहीं रहता तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है और ये रिजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है बाय द सेंडर सेंडर से कंपेयर करके चेक करता है ये कि रिसीविंग रिसीवर के uh, काम uh, मतलब

फोर जीबी मतलब ये सपोर्ट कर सकता है ज्यादा से ज्यादा फोर जीबी को फोर साइज को बट एफ टीपीड ऑन सिक्सटीन जी बी मतलब को यूज कर सकता है जैसे कि मैंने अभी बताया कि सॉरी uh, uh, मैंने आपको बताया कि स्टैंड uh, क्या होता है वो मैंने गलत बता दिया मैं आगे आपको बताती हूँ फास्टेस्ट इसका क्या होता है ना कि एफ टी पी सिक्सटीन क्या होता है फास्ट टाइम करता है बट ये स्लो करता है क्योंकि काफी सारे डेटा रीड करता है सेंड करता है इसमें टाइम लगता है अब हम बात करते हैं एफ टी पी का स्टैंड यानी फुल फ्रॉम क्या होता है तो फाइल एलोकेशन टेबल होता है इसका इट इज अ ओल्ड वर्जन एफ टी पी सिक्सटीन इज अल्ड वर्जन न्यू वर्जन ऑफ ऑर थर्टी टू ठीक है एफ टी पी सिक्सटीन का न्यू वर्जन है थर्टी टू उसके बाद एच नंबर एक लिस्ट द लेयर ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल टीसीपी आईपी मॉडल का लिस्ट बताना है कि आपके मॉडल में कितने लेयर्स uh, uh, है तो वी हैव नो ऑलरेडी इन फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर एंड नाउ फिफ्थ सेमेस्टर इसके सिक्स सॉरी सेवन लेयर्स होते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन लेयर थर्ड सेशन लेयर फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर फिफ्थ नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर तो कुछ इस तरीके से इसको अब बताने की जरूरत ही नहीं है मैं आपको आंसर ऑलरेडी यहां दिखा दे रही हूँ उसका शॉकेट शॉकेट क्या वॉट यू मीन बाय शॉकेट शॉकेट क्या होता है ना कि कम्युनिकेट बिटवीन अ टू और मोर मीडियम इन अ सेम और डिफरेंट व... मीडियम मतलब एक ये कम्युनिकेशन है कनेक्ट करने का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या फिर एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से अगर ये डिवाइस सेम है तो भी आपको कनेक्शन प्रोवाइड करता है अगर सेम नहीं है तब भी कनेक्शन प्रोवाइड करता है ठीक है इसके दो प्राइमरी मेजर्स है एक्टिव एंड पैसिव इसके आपको यहाँ पे मैं दिखा दू आ, ये है आपका एक्टिव सॉकेट एंड पैसिव सॉकेट ये आंसर है आपको इस वीडियो में इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक केयर बाय बाय स्टे सेफ स्टे हेल्दी स्क्रीनशॉट ले ले कृपया